केवल जी 26 तारीख को आपकी जमीन पर पुश्तैनी जमीन पर झगड़ा हुआ था और कई लोग जो है तलवार और तमंचे लेकर फायरिंग की थी, क्या मामला था, पूरी मामला बताइए। सर वो हमारे पास नाम रजिस्टर इसी का, जिसमें हम दो भाई हैं, हमारी बुआ है, मैं यहाँ बिलासपुर के पास में माठगढ़ के पास रहती हैं, इनके नाम रजिस्टर वसीयत है और कुछ दबंग आदमी हैं जो पहले भी कई लोगों से जबरन कर चुके हैं। अब आज हमारी ज़मीन पे आके कब्जा करने की कोशिश में वो 26 तारीख के आए थे, आके कम से कम 50-60 लगे हुए साथ आए कई गाड़ियों के साथ असले से लैस से, और आगे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और हमें मारना शुरू कर दिया। मौके पर मैं अकेला ही था, वहाँ पर धान की कार्रवाई कर रहे थे, हम लगा रहे थे, तो उन्होंने आगे मुझे पकड़ा और काफ़ी हद तक चोटें पहुँचाई, जिसमें ये सर पे 5-7 टाँके आए हैं और ये हार्ट फ्रैक्चर है, ये टांग में आ गया। पर लेकिन हमारे मौके पे अपने चौकी इंचार्ज थे, वो मौके पे पहुँच के उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, मौके पे उन्होंने लाइसेंस उनके हथियार बरामद किए और उनको पकड़ लिया गया, जिससे हमारी जान माल की सुरक्षा हो सकी। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें उन्होंने मौके पे ही 6 आदमियों को पकड़ लिया, इसमें से 2 अभी फरार चल रहे हैं। 26 तारीख से आज तक उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए ताकि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। जो अज्ञात में है उनके नाम खुले हैं कुछ? अज्ञात में है कुछ उनके हो रही है, पर लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो हम नाम इस वक्त हमें अभी पता नहीं है। दूर दूर से आए थे, एक फोटो वायरल हो रहा है, हाँ जी, जिसमें ये जिक्र हो रहा है कि मुंडा खेड़े के 4 लोग हैं जो जिनके घर पे बैठ के साजिश हुई है, सर, इसमें अर्जुन सिंह और शेरा सिंह और कई लोग। सर अर्जुन सिंह तो इनके जो हमारे यहाँ के हैं, जो जमीन दबाना चाहते हैं, इनके साले हैं, पर लेकिन बाकी को मैं पहचानता नहीं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं कह सकता, मतलब मौके पे जो थे। हाँ बिल्कुल, जो मौके पे थे हम उनको देख सकते हैं। अच्छा, बाकी बहुत दूर दूर से केला खेड़ा वगैरह से आए थे लोग, दूर दूर से लोग मंगवा के इन्होंने हमारे पे हमला किया था। बाकी पुलिस से उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जिससे आपसे ये कार्रवाई हुई है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, SHO साहब का और अपने चौकी इंचार्ज साहब अमित कुमार जी का, इन्होंने बहुत मौके पे आगे हमारी मदद की, अगर ना आते हो सकता है आज मैं दुनिया में ना रहता। परेशान हो गया। अभी एक चीज और बसो, जमीन आप ही जोत रहे थे पहले? हाँ, हम कई सालों से हम ही जोत रहे हैं, और छोटा भाई कहता है, मैं तो नौकरी करता था, छोटा भाई कर रहा है, क्योंकि हम साझे में ही करते हैं, कई सालों से हम जोत रहे हैं। अब आपकी एसपी रावत से क्या अपील है? सर उनसे पहले कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी वहाँ कोर्ट में जो चल रही है तहसील कोर्ट में, हमारी एक दाखिल वगैरह चलनी है, वो इन्होंने रोक लगा रखी थी, पैसा तो भरमा रहा है इनके पास, ये पैसा खर्च करके उसको रुकवाते जा रहे हैं। हम ये जो जेल गए, जो जेल गए हैं, तो हम ये गुहार करते हैं प्रशासन से भी, अपने जो कर्मचारी हैं जी हमारी, वो जल्द से जल्द हमारे नाम पे चढ़ जाए, प्रशासन मदद करे, प्रशासन हमारी उसमें मदद करे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी वो कार्रवाई पूरी हो।